हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं जिम के लिए तैयार हो रहा हूँ। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, अपनी कॉफ़ी पी रहा हूँ और थोड़ा मतलब वही वीडियो देख रहा हूँ, कैलिस्थेनिक्स, अपनी एडिट्स जो भी होते हैं। और अभी फिर उसके बाद मैं जिम के लिए रेडी होऊंगा और सीधा जिम जाऊंगा। गाइस, मैं जिम के लिए तैयार हो चुका हूँ और अब मैं सीधा जा रहा हूँ जिम, तो आपसे वहीं मिलते हैं। तो जो आज का वर्कआउट होने वाला है वो होने वाला है प्लैंच वर्कआउट, और यू कैन ऑल्सो से इट पुश वर्कआउट, जिसमें मैं चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर हिट करूँगा। पर उससे पहले मैं प्लैंच की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी करूँगा। तो गाइस, आई एम डन विद माय वार्म अप एंड आई एम नाउ स्टार्टिंग द वर्कआउट विद द प्लैंच अटेम्प्ट। लेट्स बिगिन। अटेम्प्ट वॉज रियली गुड और काफ़ी अच्छा था ये, मतलब मेरे जितने भी अटेम्प्ट थे उनसे काफ़ी बढ़िया था। तो अब मैं बैंडेड वर्क करूँगा और बैंड का असिस्टेंस लेके 2 और अटेम्प्ट मारूँगा। नाउ दिस इज़ द सेकेंड अटेम्प्ट विद द बैंड और हियर इट गोस। काफ़ी अच्छा होल्ड आया। यह है मेरा तीसरा अटेम्प्ट बैंड के साथ। तो अब मैं हैंडस्टैंड टू स्ट्रेडल प्लैंच नेगेटिव्स करूंगा और पहला सेट गिरा। तो बस मैं इसके 2 सेट करूँगा क्योंकि आज मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊँ। तो उसके बाद मैं करूँगा एडवांस टक प्लैंच और अभी के लिए अगला सेट परफॉर्म करते हैं इसका। अनस्टेबल सेट था ये और इसके बाद मैं एडवांस टक प्लैंच पुशअप करूँगा और मतलब वही प्लैंच होल्ड। और प्लस पॉइंट मेरा आज के लिए ये है यहाँ पर कि आज कोई जिम म्यूजिक नहीं बज रहा जो कि यूजली बजता था, इससे मैं तुमसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो लेट्स गो फॉर एडवांस टक प्लैंच पुशअप्स एंड होल्ड। अगले सेट जो 2 सेट होने वाले हैं वो मैं बैंड के साथ करने वाला हूँ। तो गाइस, जिम में म्यूजिक चल चुका है और अब मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि म्यूजिक के कारण कॉपीराइट क्लेम वगैरह ये सब आ सकता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट खत्म करूंगा और अपने मील लेने जाऊंगा घर में। सो बाय।
गाइस ये वर्कआउट मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और इसके बाद मैं कूल डाउन करूँगा और फिर अपने घर जाऊँगा, अपनी मील लूँगा और मील की जो रेसिपीज़ और जो भी मतलब माइक्रोज न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन जो भी होगा इसके अंदर मैं सब इंक्लूड कर दूँगा उसके अंदर, और काफ़ी ईजी रेसिपी है जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गो। तो मैं अपने फ्लैट पर आ गया हूँ और अब मैं कुछ खाने को बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नहा लेता हूँ और फिर मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करूँगा। बट आई ईट आफ्टर माय पोस्ट मतलब पोस्ट वर्कआउट। हाँ, अब मैं नहा लिया हूँ और अब मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील बनाऊंगा जो कि है चिकन पनीर फ्राइड राइस। ठीक है, तो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह चॉप कर लिए हैं पहले से ही, क्योंकि वीडियो में चॉप करता हूँ, थोड़ी दिखाऊँगा तुम्हें काम का की फुटेज है ना। तो मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स चॉप करी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कैरेट, ये है कैप्सिकम, ये है ओनियन, ये है कैबेज, और ये है चिली और गार्लिक, और ये है ग्रीन ओनियन, और ये मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, जिसमें मैंने चिली पाउडर, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और नमक डाला है, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, उसको मैरिनेट करने कर दिया है और इसको 10-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन पे। और ये है 20 ग्राम अमूल का सॉरी 200 ग्राम अमूल का पैकेट जो कि बाद में डलेगा। ये वेजिटेबल्स मैंने इतने सारे इसलिए चॉप किए हैं क्योंकि मैं अपनी मील एक बारी में बना लेता हूँ पूरे दिन की इकट्ठी, तो मैं सुबह थोड़ी आधी खाता हूँ और आधी शाम को, और उसको फ्रिज में स्टोर कर देता हूँ सुबह थोड़े से खाने के बाद, जिससे कि वो प्रिजर्व रहे। थोड़ा सा ऑयल, सरसों का तेल है ये फॉर्चून वाला, ठीक है, इसको स्प्रेड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा, इसको मीडियम उस पे रखना है फ्लेम पे, लो फ्लेम पे मतलब जो भी है लो या मीडियम पे। उसके बाद इसमें डालना है मिर्ची और गार्लिक, और फिर इसमें ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। इसको अच्छे से 5-10 मिनट तक कुक कर लेना है। तो जैसे ही कुक करते हुए 5-10 मिनट हो जाए तो आपको इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। सबसे पहले डालेंगे हम पत्ता गोभी, अरे कुछ नहीं होता भाई सब डाल दो, सबसे पहले वाले कुछ नहीं होता भाई सब डाल दो। यहाँ 2-3 मिनट के लिए कुक होने दूंगा और इसमें मैं ऐड करूंगा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। सॉल्ट बॉर्नविटा के डब्बे में, माँ मुझे बॉर्नविटा पिलाओ माँ। नमक थोड़ा भी शुरुआत में कम ही रखना, 1 चम्मच बहुत है बस, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक यूज़ करा है, और अभी जो हम फ्राइड मसाला है जो हम चावल डालने के बाद ऐड करेंगे उसके अंदर भी नमक है पहले से ही, और ये चिंग्स के हम सॉस डालेंगे जिससे चाइनीज थोड़ा फ्लेवर आएगा। सॉल्ट और पेपर ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट तक कुक कर लें, और इसमें डालें ये सेजवान सॉस, पूरा डाल देना क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हैं। अब ये पनीर के क्यूब्स करके डाल दीजिए ताकि ये भी फ्लेवर पकड़ ले। अब जो ये हमारे पास कुक्ड चावल हैं ये आप पिछली रात के भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी कुक करे हैं इन्हें थोड़ी देर पहले ही, मैं नहीं यूज़ करूँगा। तो 3 कटोरी ये मैं राइस यूज़ करूँगा। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कितने राइस यूज़ करने हैं।
ये 200 ग्राम राइस होंगे, 250 ग्राम राइस होंगे, 200-250 ग्राम। सेजवान फ्राइड राइस मसाला डाल देना पूरा। अब इसको मिक्स करके इसको 2-3 मिनट तक कुक करना है बस। तो ये कुक हो चुका है, अब मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगा ये। तो हमारे चिकन पनीर फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं, जो कि है चाइनीज स्टाइल के साथ मिक्स। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसमें आप पनीर ऐड कर सकते हो। क्या करना कि आप कुक करने के बाद वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करने के बाद इसमें पनीर ऐड कर देना और फिर राइस ऐड कर देना। अगर आप एगिटेरियन हो, आप चिकन नहीं खा सकते, तो आप स्टार्टिंग में गार्लिक के साथ वो कर देना, एग फ्राई कर देना, ठीक है? गार्लिक के साथ एग फ्राई कर देना, उसके बाद वेजिटेबल्स डाल देना और फिर सेम वही राइस वगैरह डाल के जो भी है। तो यही थी रेसिपी, होप यू गाइज लाइक इट। यही मैं दिन भर खा रहा हूँ आजकल, और कल मिलते हैं आपसे फुल वर्कआउट में। बाय।